हे व्हाट्सअप पीपल, कैसे हो आप लोग? आप लोग देख रहे हो गैलेक्सी हेल्थ कॉर्नर और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है, आपको अगर कंटिन्यूअसली सर में दर्द है तो इसका रीज़न क्या है। सो, मैंने इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया और इसके रिसर्च में जो मैंने पाया वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो, मैंने इस रिसर्च में देखा कि सर दर्द होने का बहुत ही एक बड़ा कारण है टेंशन। टेंशन के वजह से हमारे सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। सर दर्द का दूसरा नंबर रीज़न है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। काफ़ी लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के वजह से भी सर में दर्द होता है। सर दर्द का जो तीसरा रीज़न है वो है नींद की कमी। अगर नींद की कमी हो या नींद हमारा पूरा ना हो तो इस वजह से भी सर में दर्द होता है। सर दर्द का चौथा जो रीज़न है वो है नर्व सिस्टम में प्रॉब्लम। अगर किसी को नर्व सिस्टम का कोई प्रॉब्लम है तो इसके वजह से भी रेगुलर सर में दर्द होता है। पांचवा जो रीज़न है, अगर किसी के आँखों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसके वजह से भी देखा गया है कि सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। सर दर्द का सिक्स नंबर रीज़न है, अगर हमारे कभी भी सर में कोई भी चोट लगा हो तो इसके वजह से भी हमारे सर में दर्द हो सकता है। सर दर्द का सेवेंथ नंबर रीज़न है, अगर हमारे बॉडी में कोई भी किसी भी टाइप का टॉक्सिन है तो इसके वजह से भी हमारे सर में दर्द होता है। नंबर एट जो रीज़न है सर दर्द का, ये भी हो सकता है कि हमारे फेस, नोस या आइस का स्ट्रक्चर का भी कोई प्रॉब्लम है तो इसके वजह से भी हमारे सर में दर्द हो सकता है। सर दर्द का नाइन्थ नंबर रीज़न है, अगर हम बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और हमें रेस्ट का प्रॉपर टाइम नहीं मिलता तो इसके वजह से भी सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। सर दर्द का टेंथ नंबर रीज़न ये भी हो सकता है कि हमारे ब्रेन के लेफ्ट या राइट किसी भी हिस्से में थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम हो तो इसके वजह से भी बहुत ही ज़्यादा तेज दर्द हो सकता है। सर दर्द का 11 नंबर रीज़न है स्ट्रेस और डिप्रेशन। हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई, इसके वजह से हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है और इस वजह से हम डिप्रेशन में भी रहते हैं। ये भी हमारे सर दर्द का एक बहुत ही बड़ा कारण है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ सर दर्द का इतना सारा रीज़न शेयर किया है और आप लोग ही सोचिए कि आप लोगों के सर में अगर कंटिन्यूअसली इतना ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है और आप लोग पास के किसी भी मेडिकल स्टोर में जाके कोई भी सर दर्द का दवाई खा रहे हो तो आप लोग ही सोचो कि वो मेडिकल स्टोर वाला आपको कौन से सर दर्द का दवाई दे रहा है। इससे आपका सर दर्द तो कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाएगा पर लॉन्ग टाइम में आप ही को प्रॉब्लम होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करूँगी। आप लोग जाइए और डॉक्टर दिखाइए और डॉक्टर आपको जो दवाई दे वही दवाई आप लोग यूज़ करिए और बिल्कुल ठीक हो जाइए। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल का एक छोटा सा कैंपेन है, गुड हेल्थ मेक्स वेल्थ। इस कैंपेन को सपोर्ट कीजिए और इस कैंपेन को घर घर तक पहुँचा दीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। और दोस्तों, एक बात बिल्कुल भी मत भूलिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए।